हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश। आज आप लोगों को कान की बीमारी, कान में जो झंझनाहट होती है उसके बारे में बताएंगे, उसके साइन सिम्टम काउजेज और होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो बहुत ही बेहतर काम करती है। तो कान की झंझनाहट से टाइनिटस करते हैं, तो टाइनिटस भी होता है कान में झंझनाहट। कान में लगते हैं कि ट्रेन की आवाज़ चल रही है, कभी कभी एक कान भी होता है, कभी कभी दोनों कान भी होता है। उसके बाद उसका काउजेज बता रहे हैं, मिनस डिजीज के कारण होता है। कान में छोटी सी बोन होती है, वो छोट होती जाती है, उसी को मिनस डिजीज कहते हैं। उसके बाद शरीर में चक्कर भी आता है। दूसरा है हार्ट का अगर प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी कान में आवाज आती है। तीसरा है स्ट्रेस में अगर आप रहते हैं उसकी वजह से भी आपको कान में प्रॉब्लम आती है। चौथा है कि अगर हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से भी कान में आवाज़ आती है। ये सब वजह है कान में आवाज़ आने का। एक संकेत होता है कि कुछ बीमारी है जिससे आपको कान में आवाज़ हो रही है, उसका अच्छा तरीका से इलाज कराना चाहिए। कभी कभी हल्के भी में भी होता है टाइनिटस, कान में आवाज़ आया, हल्का फुल्का दवा से ठीक होता है, नहीं होने पर फिर MRI और CT स्कैन कराना पड़ता है। तो इसमें हल्के वे में है तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही कार्य काम करते हैं टाइनिटस में, कान की झंझनाहट में। कॉस्टली मेडिसिन तो है चिनिपोडियम। चिनिपोडियम आप 30 पावर में सुबह दोपहर शाम दो दो बूंद ले लें। दूसरी मेडिसिन है हीपर सल्फर, वो भी दो दो बूंद 30 पावर में सुबह दोपहर शाम ले लें। और एक और दवा है, वो दवा है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 200 पावर में दिन में एक बार, 200 पावर में एक बार 4 बूंद आप ले लें। इससे कान में जो भी झंझनाहट और ये सब जो है तुरंत ठीक हो जाते हैं। कान में जो हल्का सा मवाद भी निकलता है उससे भी ये कान का प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन, कान में जो इन्फेक्शन होती है उससे भी कान में आवाज़ होती है। बहुत सारे ये सब छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन अगर तुरंत ठीक हो जाए तो समझिए कि ये हल्का फुल्का है, कोई ऐसा रोग नहीं है, और नहीं तो फिर CT MRI और CT स्कैन कराना पड़ता है। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।